जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स, आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे से। आई होप कि अभी तक आपने एमएनएस सीबीटी बैच में एनरोल भी कर लिया होगा, सो डैट आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सके। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, सेकेंड अटेम्प्ट या फिर लास्ट अटेम्प्ट भी होगा, और इस अपॉर्चुनिटी को अब आप ग्रैब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है हमारे एमएनएस सीबीटी बैच में, तो आज ही कॉल करके एनरोल ज़रूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, डैट इज़ एमएनएस पैनल इंटरव्यू के बारे में। बहुत सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि क्या एमएनएस का इंटरव्यू, जो कि एमएनएस ऑफिसर लेवल का इंटरव्यू होना है, सो क्या ये एसएसबी इंटरव्यू से सिमिलर होता है? क्या यहाँ भी आपको 5 days ऑफ एसएसबी देनी पड़ती है, जैसे आप नॉर्मल ऑफिसर कैडर के एग्जामिनेशंस में देते हैं आर्म फोर्सेस के? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कैंडिडेट्स। जिस दिन आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन देने जाते हैं, साथ ही साइमल्टेनियसली कुछ बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और कुछ बच्चों का एक ग्रुप सेपरेट किया जाता है फॉर द इंटरव्यूज़। तो आपके एक ही 2 दिन में मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ इंटरव्यूज भी कंडक्ट करा दिए जाते हैं, तो कोई 5 days एसएसबी नहीं होती है फॉर एमएनएस एंट्री। अब हम बात करेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एमएनएस के पैनल इंटरव्यू में। बिकॉज एसएसबी इंटरव्यू में एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा होता है जो आपकी इंटरव्यू लेता है, बट एमएनएस में थोड़ा सा मैटर डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस ये होता है कि पैनल बैठा होता है आपके सामने, मींस 4 से 5 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं आपके उस पैनल इंटरव्यू के दौरान एज इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स। मे बी उसमें साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, आपके एमएनएस के ऑफिसर्स हो सकते हैं, और एक चीफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी वहाँ पर बैठा होगा। सो इतने सारे लोग जब वो डेकोरेटेड यूनिफॉर्म्स के साथ, डेकोरेटेड बैचेस के साथ बैठे होते हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस हर कैंडिडेट को हो जाती है। बट आपको नर्वस नहीं होना है, जो आपकी पर्सनालिटी है आपको सिर्फ वही शोकेस करनी है वहाँ पे जाके। तो अगर आप के अंदर वो कंपैशन, वो केयर, वो जुनून है कि मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है एज अ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, तो आप भी बन सकते हैं अच्छे एमएनएस ऑफिसर। तो बस आपको सिंपल रखते हुए चीज़ों को, जो उनके क्वेश्चंस होंगे उसको पर्टिकुलर आंसर्स देने हैं, और वो आंसर्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी उस ऑफिसर लाइक क्वालिटी को भी शोकेस कर सकें। बिकॉज इंटरव्यू एक ऐसा मोड है जहाँ पे आपके अंदर छुपी हुई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ढूंढा जाता है। आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के थ्रू एसएसएस पता लगाते हैं कि किस तरह से आपकी पर्सनालिटी है, क्या क्वालिटीज़ हैं आप में, क्या आप इंडियन आर्मी के लिए फिट हैं या नहीं। बिकॉज बहुत सारी कंटिजेंसीज हो सकती हैं, बहुत टाइम ऐसे सिचुएशंस होंगी जहां आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा टास्क को, तो कि आपके अंदर वो एफिशिएंसी है, कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। सो यही चीज़ें आपकी इंटरव्यू के दौरान चेक की जाती हैं बाय दी एसेसर्स। सो आज कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि जो आप अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपने एमएनएस इंटरव्यू के दौरान। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन दी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि आप 12th class के बाद आपने कैसे चूज़ कर लिया कि आपको अपना करियर एज अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर ही बनाना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कैसा आंसर देंगे और वो सेटिस्फाइंग कैसे हो सकता है। सो आपको इस क्वेश्चन को अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अपनी फैमिलियर कंडीशंस के हिसाब से ही आंसर देना है। किसी का भी आंसर कॉपी करने की गलती मत करिएगा, बिकॉज हर कैंडिडेट की प्रोफाइल अलग होती है, हर कैंडिडेट एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है। सो आप अपनी पर्सनल चीज़ें वहाँ पर शोकेस करिए, जो आपसे बेनिफिट जो आपको लग रहा है, जो आपको फिट बैठ रहा है, आप वो आंसर्स अपने एसेसर्स को दीजिए। सो आप इस आंसर को इस तरह से डिज़ाइन करिए, इस तरह से उनको आंसर करिए इस क्वेश्चन का, कि आप शोकेस कर सकें, अपना जुनून शो कर सकें, अपने मोटिवेशन शो कर सकें कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को। आपको बस वही दिखाना है जो आपने इतने दिनों से सोचा है कि मैं क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आपको सिर्फ वही रीजंस इस आंसर्स में शोकेस करने हैं। और दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, दूसरा एक काउंटर क्वेश्चन आपका ये हो सकता है इस क्वेश्चन के बाद कि व्हाई यू आर नॉट रेफरिंग टू नीट। आप नीट के बाद एमबीबीएस भी कर सकते थे, बट आपने एमएनएस ही क्यों ऑप्ट किया। सो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाई यू आर चूजिंग एमएनएस सर्विसेज
ओवर नीट MBBS. सो आपको इस आंसर के लिए भी रेडी रहना है. इस क्वेश्चन में एसेसर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हाईलाइट करेंगे MNS की एडवांटेजेस, MNS के बारे में आप कितना अच्छा सोचते हैं, इस प्रोफेशन को आपने किस नज़र से देखा है, बस वो शोकेस करना है आपको इस आंसर में. सो आपको ध्यान रखना है कि हर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे ये इसलिए पूछा जा रहा है बिकॉज वो आपसे क्वालिटीज़ निकलवाना चाहते हैं कि किस टाइप की क्वालिटी आप देखते हैं अपने अंदर, कि आप MNS सर्विसेज को किस तरह से देखते हैं. तो वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं इंटरव्यू के दौरान. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स आए तो क्या आप MNS की सीट को छोड़कर AFMC की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज AFMC के थ्रू भी आप इंडियन आर्मी को ही तो ज्वाइन कर रहे हैं, तो वाई यू आर रेफरिंग टू मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज रादर. अगर आपके नीट में अच्छे स्कोर आएंगे, अगर आप नीट में आप बताते हैं कि आपने एक्सपेक्ट किया है 600 या 500, 550 प्लस, तो आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपने AFMC को ऑप्शन क्यों नहीं रखा, प्रायोरिटाइज क्यों नहीं किया, बिकॉज वहाँ जाके तो आप डॉक्टर जैसी पोस्ट संभाल सकते हैं, इंडियन आर्मी में भी आप रहेंगे, सो सेम सिमिलर प्लेस तो है, तो आपने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस क्यों ज्वाइन किया. वहाँ पे आपको इस तरह से आंसर को मोल्ड करना है कि आप ये बताएं कि आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबली जॉब कर सकते हैं, बिकॉज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द पेशेंट्स. तो आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा सकते हैं आप उसी प्रोफेशन को चूज़ करते हैं. इसीलिए आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप रेडी रहें अपने आंसर्स के साथ, सो डैट आपका वहाँ पे इम्प्रेशन ख़राब ना हो इंटरव्यूज़ के दौरान. तो इस तरह से आपको बहुत सारे और मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे जब आप सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इस बैच को ज्वाइन करेंगे. तो इसी तरह से और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, आपको बताए जाएंगे. और जब एसेसर्स आपसे मिलेंगे तो आपके मेंटर्स आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, और आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को क्रॉस चेक भी करा सकते हैं उनसे. तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में. और आप सभी जानते हैं कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 10 और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, शायद हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड से भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने MNS एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और आज वो अपनी ट्रेनिंग में है. सो अगर आप भी इसी तरह से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के MNS CVT के एग्जामिनेशन के स्पेशल बैच को, जहां आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही साथ एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, इंटरव्यू का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा. सो आप इन सारी चीज़ों को मिस मत करिए और आज ही एनरोल करिए और ज्वाइन करिए हमारी अकेडमी फॉर बेटर गाइडेंस और बनिए MNS ऑफिसर इन द इंडियन आर्म फोर्सेज. जय हिंद.